कैसे हो? आशा करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक लोकल एलईडी जिसका प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका जो स्टैंड बाई लाइट नहीं जल रहा है, और हमने खोल के देखा, यहाँ पर देखिए इसका जो पावर सप्लाई है, देखिए पावर सप्लाई का वोल्टेज, इसको 12 वोल्ट होना चाहिए, इसको एक बार 2 वोल्ट और 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे हो रहा है। तो इसका हमने किया कि बैकलाइट का जो सप्लाई था वो भी हमने अलग कर दिया, फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप सही करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसका जो पावर सप्लाई का आउटपुट का डायोड का कोई शॉर्टेज है या कोई कुछ प्रॉब्लम है वो पहले देख लेते हैं। देखिए इसका जो आउटपुट का डायोड है इसमें कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा दे रहे हैं। तो इसका डायोड को एक बार और इसको इसको उतार के भी शॉर्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको उतारने के बाद भी कोई शॉर्टेज नहीं है। देखिए अलग से भी दिखा देते हैं, कोई शॉर्टेज आउटपुट में नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम होगा या इसका इनपुट में। तो इनपुट में अगर सप्लाई देते हैं तो एक बार वोल्टेज को देख लेते हैं। तो इनपुट वोल्टेज अगर लो होगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए पहले हमने वोल्टेज को 1000 रेंज पर रखना है। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट सप्लाई का जो कैपेसिटर का पॉइंट है, उस कैपेसिटर पॉइंट पे सही वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो कैपेसिटर प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज है या नहीं एक बार देख लेते हैं। नहीं, चार्ज भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका जो अगर वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले इसको जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को पहले चेंज करके देखना होगा। उसके देखने के बाद आगे बढ़ सकते हो। पहले इसको एक दूसरा कोई कैपेसिटर लगा के इसे पहले देख लेना होगा। तो चलिए इसको एक बार खोल लेते हैं। उसके बाद इस कैपेसिटर को हमने उतारना है, खोलना है। तो चलिए इसको खोल लिया। तो लीड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो कैपेसिटर उतरने के बाद देखिए एक कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर लगाने के लिए तो ये देखिए, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
तो एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए चौपर पॉइंट में पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव में शॉर्टेज भी नहीं है, तो इसको सही तरीके से बैठा देते हैं। तो चलिए अभी वोल्टेज को एक बार दे देख लेते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पावर सप्लाई अभी ओके हो गया। अभी जो यहाँ पर एक कॉइल को हमने उतर के रखा था उसे भी लगा देते हैं। पहले इसको लगा देते हैं, तो यहाँ पर इस कॉइल को हमने उतारा था, चलो हमने कॉइल को भी लगा दिया। अभी जो यहाँ पर हमने LVDS को भी लगा देते हैं। तो चलिए अभी इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। चलिए एक बार कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन देने के बाद एक बार वोल्टेज भी देख लेते हैं। देखिए 12 वोल्ट एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो हमारे पावर सप्लाई अभी ओके हो गया। अभी इसका जो फ्रंट पैनल का स्विच को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टैंड बाई रिलीज करेंगे। तो पहले इसका जो स्क्रू है, दो स्क्रू को आँट देते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू है, तो इसका फ्रंट पैनल यहाँ पर है। तो फ्रंट पैनल लगा दिया। अभी इसको पावर, ये देखिए इसका स्टैंड बाई लाइट जल गया। अभी इसको स्टैंड बाई रिलीज हो गया, बैक लाइट भी आ गया। और इसका फ्रंट में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डिस्प्ले भी आ गया। तो देखा एक लोकल LED कैसे आपको रिपेयर करना होगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।